हरे कृष्ण राधे राधे। बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती वो बड़े उपहार। रिश्ता बने रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार, है ना। हर बहन की अपने भाई के लिए दिल से यही कामना होती है। भाई बहन के प्रेम को याद करने के लिए भाई दूज का परवारक। भाई दूज का ये पावन पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और उसके हाथ से पका हुआ भोजन खाता है। भाई के भोजन करने के बाद ही बहन अंजल ग्रहण करती है। तो आज आपको भाई दूज की दो पौराणिक कहानियां बताती हूँ गणेश जी महाराज की कहानी के साथ। तो इस वीडियो में कुल तीन कहानियां आपको मिलेगी। इन कहानियों को कहने सुनने मात्र से हमारे भाई को लंबी उम्र मिलती है। भाई दूज वाले दिन पूजा के समय ये कहानी जरूर सुने, उसके बाद ही भाई को तिलक करें। भाई दूज की पूजा कैसे करते हैं इस विषय पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी जरूर देखना। अब कहानी शुरू करती हूं। ऋग्वेद में भाई दूज के संबंध में एक पौराणिक कहानी मिलती है जो इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थी, उनका बेटा यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति बनाकर उन्हें अपने बच्चों को सौंप कर वहां से चली गई। जो छाया थी वो यम और यमुना से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी, पर जो यमुना थी वो अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से मिलने जाती, उसका सुख दुख, उसका हालचाल पूछती। साथ ही यमुना जी यमराज को अपने घर आने के लिए बार बार आमंत्रित करती, पर यमराज जी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं और इसी वजह से वो कभी भी यमुना जी से मिलने उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल तृतीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से पहुंच गए। बहन के घर जाते समय यमराज इतने खुश थे कि उन्होंने नर्क में जितने भी जीव थे उन सबको मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत तरह के व्यंजन बनाए, उन्हें बढ़िया भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन के प्रेम से, उसके आदर सत्कार से बड़े खुश हुए। उन्होंने यमुना से कोई भी वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, भैया अगर आप मुझसे खुश और मुझे वर देना चाहते हो तो बस मेरी एक ही इच्छा है, उसे पूरा करो। आज ही के दिन हर साल आप मुझसे मिलने आया करो और मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। और इसी के साथ पृथ्वी लोक पर भी जो भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर जाएगा, उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे आपका डर ना रहे, वो आपके भय से मुक्त हो जाए, ये वरदान मुझे दो। यमराज बहुत खुश थे और उन्होंने तथास्तु कहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में जो डुबकी लगाएंगे वो यमराज के प्रकोप से हमेशा ही बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने दिल से स्वीकार किया। इस तिथि को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। जो भी पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और बहुत तरह के सुख मिलते हैं, साथ ही यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले, मतलब जो शाम का समय होता है जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे पहले चार बत्तियों से एक दीपक बनाकर दीप दान करना भी यमराज के निमित्त बहुत बहुत शुभ होता है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके सात बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया के जो बेटे थे उनके ऊपर ऐसा ग्रहण लगा हुआ था कि जब भी उसके बेटों की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को दस लेता था और उसका बेटा वहीं खत्म हो जाता था और बहू विधवा हो जाती थी। और इसी प्रकोप के कारण उसके छह बेटे मर चुके थे। सातवें की शादी के लिए वो तैयार था, जवान हो रहा था। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रोकर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज का पर्व आने वाला था तो बुढ़िया का जो सबसे छोटा बेटा था उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है भैया चला जा। अब उधर जब बहन को पता चला कि मेरा भाई आने वाला है तो वो तो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि इससे पहले कभी भी भाई उसके घर नहीं आया था जब से उसकी शादी हुई थी। तो वो भाग के पड़ोसन के पास गई, उससे पूछने लगी, बहन शादी के बाद पहली बार मेरा प्यारा भैया मेरे घर आ रहा है, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब जो पड़ोसन थी ना वो उसको खुश देके थोड़ा जल भून गई और उसने कहा, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका ले। अब बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटू तब तुम मुझे डस लेना। अब सांप ने कहा, भला आज तो कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे?
अब भैया ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ ही इस झोले में बैठ जाओ और मेरे साथ ही चलो, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूंगा तब तो मुझे डस लेना। अब सांप ने ऐसा ही किया, वो झोले में जाके बैठ गया। अब भाई बहन के घर पहुंच गया, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से तिलक कर दो और खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करती, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। अब भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है। अब भाई को बेचैन देखकर बहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं। वो दूसरी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, तो पड़ोसन बोली, अरे बहना कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपता है, तुम गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। अब बहन ने कहा, भाई मुझे क्या पता था, मुझे लगा जब भाई पहली बार घर आता है तब ऐसे ही करते होंगे। अब वो वापस घर आई और दूसरी पड़ोसन के कहे अनुसार गोबर से उसने बढ़िया रसोई लीपी और दूध में चावल पकाए, बढ़िया भोजन बनाकर तैयार किया और अपने भाई को जिमाया, उसे तिलक किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में जो बहन के बच्चे थे वो आ गए, बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भैया बोला, भाई मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। बच्चों ने कहा, ये झोला लिया है, इसमें क्या है। अब उन्होंने बच्चों ने मामा से झोला खींचकर उसे खोला तो उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं तो मेरे लिए इतना सुंदर लेकर हार लेकर आया है। अब भाई दूज के तिलक के प्रभाव से वो जो सांप था वो हार में बदल गया था, क्योंकि दूज का तिलक कराने से हमें यमराज का भय नहीं रहता है और वो जो काल थी वो चला गया था, वो समय बीत गया था। अब भाई बोला, भाई भी हार देकर हैरान था, उसे पता ही नहीं था कि भैया आया कहां से है। वो बहन से बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। भैया ने रात में अपनी बहन से कहा कि मैं जल्दी सुबह सवेरे जल्दी चला जाऊंगा। अब बहन ने सोचा कि भाई मेरा भैया सुबह सुबह जल्दी जाएगा तो मैं उसके लिए बढ़िया लड्डू बना देती हूँ और एक डब्बे में रख के दे दूंगी। अब बहन रात में ही वो आटा पीसने लगी, आटा पीस रही थी तो उसने गलती से सांप पीस गया। अब उसने तो उसको तो दिखा नहीं अंधेरे के अंदर, उसने अंधेरे में ही लड्डू बनाए और अपने भाई को जब वो सुबह जाने लगा तो डब्बे में पैक करके दे दिए। अब भाई वहां से उसके घर से निकल गया और वो बहुत थका हुआ था तो एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। उधर बहन के घर पर जो बच्चे थे उनको भूख लगी थी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ जो तुमने मामा को दिया वही हमें दे दो। अब उन्होंने बच्चों ने जाके चक्की के पास देखा तो सांप पिसा हुआ पड़ा था। उसने बोला, माँ तुमने क्या बाजरा पिसा, ये क्या बचा हुआ है। अब जब उसकी नजर पड़ी जाके तो उसने दिखा रही, मैंने तो बड़ी गलती करी और मेरे से तो ये सांप पिस गया है। अब वो बड़ी बावली सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई उधर पेड़ के नीचे तो लेटा हुआ, देख ले कहीं वही तो तेरा भाई नहीं है। अब जो बहन थी वो भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, उसने देखा भाई गहरी नींद में सोया हुआ है। अब उसे लगा कि भाई इसने गलती से कहीं वो लड्डू ना खा लिया, उसने भाई को झंझोड़ा और उठाया, उठ भाई उठ, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए हैं। अब भाई तो नींदों में था, उसने तो लड्डू खाए नहीं थे। वो उठा और बोला कि क्या हुआ, मैंने तो लड्डू नहीं खाए हैं। अब उसने बोला कि मैं अपनी गलती क्या बताऊं, उसने सारे लड्डू लिए और फेंक दिए। अब उसके बाद भाई भी बड़ा आश्चर्य में कि वो तो तूने मुझे दिया और क्यों तू इसको फेंक रही है। बट उसके बाद बहन ने बोला कि भैया मैं मुझे प्यास लग रही है। तब वो भाई गुस्से में तो था कि लड्डू फेंक दिए, तो उसने बोला मैं तेरे लिए जंगल में पानी कहां से लेकर आऊं। तो उसने बोला, भैया तू बैठ, मैं कहीं से ढूंढ के लाती हूं, तेरे लिए भी लेकर आती हूं। अब कह के बहन चली गई। उसने देखा कुछ दूरी पे चील उड़ रही है तो उसे लगा कि यहां पे पंछी है तो यहीं शायद पानी होगा। वो उस जगह पे पहुंची, वहां उस जगह पर बहन ने देखा कि एक जगह पर छह शिलाएं गड़ी हुई है और एक बिना गड़ी हुई ऊपर रखी हुई है और वहीं पर एक बुढ़िया बहन बैठी हुई है। तब बहू को बड़ी, ये जो बहन थी उसको ये बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने देखा और पूछा, माता जी आप कौन हो। तो वो जो बुढ़िया माई थी बोली, मैं विधाता हूँ। उसने फिर बुढ़िया माई से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। तो इस बुढ़िया माई ने बताया कि एक लड़की के भाई के लिए ये शिला है जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में सांप को पीस दिया है। मैं उस बहन के छह भाई तो पहले ही शादी के मंडप में मार चुकी हूँ। अब ये सातवें भाई की बारी है और जैसे उसका सातवां भाई मिलेगा तो ये शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। अब ये सुनकर भैरों के बहन के पैर के नीचे तो जमीन निकल गई। वो समझ गई कि जरूर ये मेरे भाइयों की ही बात कर रही है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि बुढ़िया माई को बड़ा बहला फुसला के उसने पूछा कि भाई भाई को बचाने का कोई उपाय है तो बताओ। तो बुढ़िया माई जो विधाता थी उसने कहा कि बहन अपने भाई को गालियां देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि सिर्फ एक बहन ही है जो भाई पर आने वाले काल को टाल सकती है। अब ये सारी बात जानकर उसने वहीं से अपने बाल खुले कर लिए और पागलों की तरह चिल्लाती हुई अपने भाई के पास पहुंच गई और बोली, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तो पियर माई के पास जाऊंगी। भाई को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि तू अपने बच्चों को छोड़कर आई है, उसके पास क्यों नहीं जा रही है, और वो जबरदस्ती कह रही है कि मैं तो पियर जाऊंगी पियर जाऊंगी। तो उसने कहा, चल भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, चल पियर चल ले। अब वो पियर पहुंच गई। अब वहां पे दिन रात भाई को गालियां देती रहती तो मां को भी बड़ा अजीब लगता। थोड़े समय में भाई की सगाई की बात होने लग गई, शादी की तारीख तय हो गई। अब माँ तो पहले डरी हुई थी कि भाई बेटा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब जब भाई को सेहरा पहनाया जाने लगा तो वो बहन बीच में आके खड़ी हो गई और बोलेगी, ये क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा ये तो मरेगा।
अब सब लोगों ने परेशान होकर कि भैया बहन कैसे बोल रही है, इसको चुप कराओ, बहन को ही सहरा बांध दिया। बहन ने जैसे ही सहरा बांधा तो उसने देखा कलंगी की जगह पर सांप का बच्चा बंधा हुआ है। बहन ने उसे निकाल दिया और फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। अब सब लोग उसकी बातों से बड़ा परेशान थे, उसकी गालियों से बड़ा परेशान थे, उसे चुप कराना चाहते थे। तो सबने कहा ठीक है तू ही घोड़ी पे बैठ जा। अब वो लड़का नीचे खड़ा रहा, बहन घोड़ी पे बैठ गई। एकदम ही घोड़ी बिदकी और जैसे उसको गिराने फिक्को हुई तो बहन ने संभाल लिया। अब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकला, क्या ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। अब वो दरवाजे से निकलने जा ही रही थी कि दरवाजा आराम अचानक से गिर गया। बहन ने ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। अब सब लोगों को बड़ा चंबा हुआ, भाई ये क्या हुआ कि एकदम गिरने लगा तो रुक गया। अब चलो बारात चल पड़ी। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीतल के पेड़ के नीचे लोगों ने खड़ा करा, तो उसने आके एकदम ही धक्का दे दिया और कहा कि ये क्यों खड़ा होगा पेड़ के नीचे, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ एकदम चरमरा के गिरने का हुआ, तो बहन ने एक पत्ता तोड़ के अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया था कि ये बावली कोई जादू टोना जानती है जो हर बार अपने भाई के ऊपर आ रही परेशानी को रोक लेते उसकी रक्षा करती है। अब ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचाया है, अब तू अपने पति को और अब साथ ही साथ अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है, और सारी बात उसे समझा दी। अब फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को दसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के उसके ऊपर से प्लेट बंद कर दी, क्योंकि उसको तो पहले से पता था। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई, दुल्हन से बोली तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली ऐसे नहीं पहले तीन बार बोल। नागिन ने तीन बार बोल दिया कि ठीक है जा मैंने तेरे पति को छोड़ा 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 छोड़ा। फिर वो बोली अब तू मेरे पति को छोड़। तो जो दुल्हन थी वो बोली मेरे पति से क्या होगा, कोई हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने उसके जेठ के प्राण भी वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से लड़ाई हो गई तो क्या होगा, एक और जेठ छोड़। उसने दूसरा भी छोड़ दिया। फिर दुल्हन बोली अगर वो विदेश चला जाएगा तो तीसरा भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने बातों में फंसा के अपने छह जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया माई का बुरा हाल था, उसे लग रहा था पता नहीं बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका क्या होगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके सात बेटा और सात बहुएं वापस आ रही है। तो बुढ़िया माई बोली अगर ये बात सच है, मेरी पूजा पाठ भक्ति किसी में कुछ भी सच है, तो मेरी राखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरी छाती से दूर की धार बहकर मेरे बच्चों के मुंह में जाए। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहु बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई, बोली ये सब तो मेरी बावली बिट्टों ने किया है, कहां है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वो भूसे की कोठरी में सो रही है, क्योंकि अभी तक तो वो बड़ी ध्यान लगा के सब चीजों के ऊपर ध्यान लगा रही थी और वो इतना थक गई थी कि जाके सो गई। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर की तरफ चलने लगी, तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया माई ने कहा बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू तो घर के सारी बरकत सारी लक्ष्मी लेके जा रही है, तेरे भाई भाभी का क्या होगा। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा जो मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वो मेरे साथ चले, बाकी मेरे भाई भाभी के पास ही रहे। उसी दिन के बाद से बात होती है कि पीहर से बेटी सिर्फ जो माँ देती है वो लेकर आती है, और इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे इस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भरते, हर बहन को इतनी शक्ति देना कि वो भी अपने भाई की रक्षा कर सके। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, यमराज की जय। इस कहानी के बाद कोई आरती नहीं होती, सिर्फ गणेश जी महाराज की कहानी होती है। तब हम गणेश जी महाराज की कहानी सुनते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी गणेश जी महाराज की सच्ची भक्ति हर समय जय गणेश जी जय गणेश जी जय गणेश जी जय गणेश जी करती रहती। जो कुएं में और मेंढक थे उन्होंने मेंढकी के पति को भड़का दिया और बोला कि देख तेरी मेंढकी तो किसी पर पुरुष का नाम लेती है। अब जो मेंढक था उसने बोला भाई ये क्या बात है, तेरा पति मैं हो और स्वामी ही भगवान होता है तो तू तो मेरा नाम ले। अब वो मेंढकी क्या करती, उसे बात माननी पड़ी। वो ऊपर से तो मेंढक करती, अंदर से जय गणेश जी महाराज जय गणेश जी महाराज जय गणेश जी महाराज करती। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा चलो भाई भक्तों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने लीला रची, एक स्त्री कुएं पे पानी भरने आई और जैसे उसने मटका डाला दोनों मेंढक मेंढकी मटके के अंदर चले गए। अब उस स्त्री ने जाते के साथ ही वो मटका आंच पे रख दिया, जैसे जैसे पानी गर्म हो मेंढक तो उबले जाए और मेंढकी को पानी ठंडा का ठंडा लगे। अब मेंढक सोचा भाई ये क्या बात है, मुझे तो पानी गर्म लग रहा है मैं तो उबले जा रहा हूँ, ये तो बड़े आराम से बैठ रही है। उसने मेंढकी से पूछा तू सच्ची सच्ची बता तू किसका नाम ले रही है। उसने बोला स्वामी आप ही का नाम तो ले रही हूँ। तो मेंढक ने कहा तू सच्ची सच्ची बता। तब मेंढकी बोली कि मैं दुखों के हरने वाले, दुख हरता सुख तरता,
मैं गणेश जी महाराज का नाम ले रही हूँ। तो उसके बाद मैंडप भी जाप करने लगा, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज उसी समय बैल का रूप धर कर आए, अपने सिंगों से घड़े को फोड़ा और दोनों मेंढक मेंढकी उछलते हुए खुशी खुशी कोल में वापस चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन मेंढक मेंढकी के दुखों को हरा, उनके ऊपर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भक्त, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबको अपनी भक्ति देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस कहानी के बाद कोई भी आरती नहीं होती है। अंत में दो लाइनें, एक बात सुनो सरा, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी भी मन से कम नहीं होता, है ना। तो बहन भाई के प्यार की अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूजा करते हुए ये कहानी जरूर सुने। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।